जब से जो है अकबरुद्दीन वैसी को प्रोटेम में स्पीकर बनाया गया, उसके बाद से लगातार टी राजा कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस और एमआईएम का। इंद्र रेड्डी मीटिंग में सब विधायकों को बुलाए हैं, तब टी राजा बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि एमआईएम से कांग्रेस का क्या रिश्ता है। मीटिंग में विधायकों को बुलाया जाता है, गुंडों को बुलाया नहीं जाता है। अगर वो विधायक होते जिस जनता ने उनको जनमत दिया उसमें विश्वास रखते तो जाते। गणित मानसिकता के लोग, बलात्कारी, व्यभिचारी, गालीबाज, गुंडेबाज जो सदन में खड़े होकर के किसी को मुल्ला कठमुल्ला कह सकते हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही पाए जाते हैं और उनके गुरु नरेंद्र मोदी हैं। निर्वाचित विधायक टी राजा, आपने गाड़ी पर खड़े होकर के उसकी भाषा को सुनने का काम किया होगा। क्या लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों की जगह होनी चाहिए? ये सिर्फ प्रधानमंत्री के जो शिष्य हैं उन्हीं में ये काबिलियत हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। मैं आपके साथ राशिद कमाल, हमारे साथ गोपाल तिवारी जी है, यूथ कांग्रेस से, इनसे बातचीत करेगा। जिस आना में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से जो है तमाम योजनाओं पे तो कांग्रेस काम कर रही है, लेकिन भाजपा के जो विधायक वो आरोप लगातार लगा रहे हैं। जब से जो है अकबरुद्दीन वैसी को प्रोटेम में स्पीकर बनाया गया, उसके बाद से लगातार टी राजा कह रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कांग्रेस और एमआईएम का। इन्हीं मुद्दे पर चर्चा कर लें गोपाल जी से। गोपाल जी, जिस तरह तेलंगाना की बात कर जाए, वहाँ पे आप रेवंत रेड्डी जो है मुख्यमंत्री बने हैं, अकबरुद्दीन वैसी एमआईएम के नेता ने शपथ दिलाई, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम इनसे शपथ नहीं लेंगे, क्या वजह लग रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो हल्की फुल्की चीजें वहाँ हैं उनको भी हम खत्म करने का काम करेंगे। उदाहरण के तौर पर इनका नव निर्वाचित विधायक टी राजा, आपने गाड़ी पर खड़े होकर के उसकी भाषा को सुनने का काम किया होगा। क्या लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों की जगह होनी चाहिए? ये सिर्फ प्रधानमंत्री के जो शिष्य हैं उन्हीं में ये काबिलियत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र का एक विधायक एक नाबालिग के साथ बलात्कार के केस में जिसपे पॉस्को लगी उसको गिरफ्तार किया गया है, और वो उसका जो दोष जो है वो दोष उसके ऊपर नहीं है, वो देश सीधे प्रधानमंत्री पे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री को अपना आइडियल मानता है, वो ब्रजभूषण को अपना आइडियल मानता है। तो कई सारी चीजें स्पष्ट और साफ हैं। ऐसे लोग, गणित मानसिकता के लोग, बलात्कारी, व्यभिचारी, गालीबाज, गुंडेबाज जो सदन में खड़े होकर के किसी को मुल्ला कठमुल्ला कह सकते हैं, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ही पाए जाते हैं और उनके गुरु नरेंद्र मोदी हैं, उनके प्रेरणा स्रोत अमित शाह हैं। ये कई सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट करती हैं, और इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल खुले मन से इस बात को कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। इस समय हिंदुस्तान में लड़ाई जीत और हार की नहीं है, लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ वो विचारधारा है जो इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, इन सभी को एक गुलदस्ते की तरह समेट कर आगे लेकर के जाना चाहती है। एक तरफ वो जो सजे हुए गुलदस्ते में एक एक फूल को तोड़ देना चाहती है। ये देश की जनता को भी तय करना पड़ेगा, हम लोग तय कर चुके हैं। अच्छा, रेवंत रेड्डी मीटिंग में सब विधायकों को बुलाए हैं, तब टी राजा बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि एमआईएम से कांग्रेस का क्या रिश्ता है? मीटिंग में विधायकों को बुलाया जाता है, गुंडों को बुलाया नहीं जाता है। अगर वो विधायक होते जिस जनता ने उनको जनमत दिया उसमें विश्वास रखते तो जाते, उन्हें निमंत्रण दिया जाता। लेकिन मीटिंग में विधायक बुलाए जाते हैं, जनप्रतिनिधि बुलाए जाते हैं, जन विद्रोही नहीं बुलाए जाते हैं। तो रेवंत रेड्डी, मेरा पूरा विश्वास है, हमने जो प्रजालू तेलंगाना का जो नारा वहां दिया है उन्होंने शुरू भी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब अपने मुख्यमंत्री को बनाने के लिए मशक्कत कर रही थी उससे पहले करीबन हम 50% योजनाएं वहां लागू कर चुके थे। तो रेवंत रेड्डी एक बहुत कुशल नेतृत्व करता है और वो वहां की प्रजालू तेलंगाना का जो नारा था उसको साकार करने के लिए आखिरी दम तक मेहनत करेंगे और बहुत शानदार तरीके से तेलंगाना की जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। बीजेपी तो लगातार आप ही लोग पे आरोप लगा रही है कि आप लोग जो मिल गए हुए हैं। तो बीजेपी जब से सत्ता में आई है कांग्रेस को छोड़ के कोई दूसरा मुद्दा है उसके पास? क्या कभी उसने महंगाई पे बात की? नहीं की। महंगाई पे बात कर रहे हैं ना? महंगाई पे सवाल पूछो तो वो कांग्रेस को कोसते हैं, रोजगार पे सवाल पूछो तो कांग्रेस पे कोसते हैं, विचारधारा पे सवाल पूछो तो वो राहुल गांधी को कोसते हैं। कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी को सोते जागते कांग्रेस और राहुल गांधी ही याद आते हैं। मुझे तो खुशी है इस बात की कि जो अपने आप को प्रचंड लोकप्रिय है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मानता है, वो एक बब्बर शेर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से थर थर कांपता है, डरता है, आज तक कभी सामना नहीं कर पाया। और मैं चैलेंज दे करके कहता हूँ प्रधानमंत्री आपको, अगर आप में हिम्मत हो तो ये झूठा मीडिया के सामने खड़े होकर के
पांच मिनट का पीआर देकर के चले जाते हो, कोई सवाल आपसे नहीं पूछता क्योंकि जवाब देने की हैसियत नहीं। किसी एक दिन एक कुर्सी पर बैठ करके हमारे नेता से सामना करके दिखाइए, पांच मिनट उससे सवालों के जवाब दे करके दिखाइए, और आप भी उससे सवाल पूछ करके देखिएगा, वो आपको जवाब देगा, आपकी हैसियत नहीं। जिस दिन आप राहुल गांधी के साथ पांच मिनट की डिबेट कर लेंगे, मैं आपको नेता मान जाऊंगा, अदरवाइज सिर्फ आप लच्छेदार भाषण देने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री तो कभी माने नहीं हमने आप। लगातार जो है भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई है तेलंगाना में, आप लोग की जीत हुई है, इन तमाम मुद्दों किस तरह देख रहे हैं? लगातार ईवीएम में सवाल कर रहे हैं। जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई, जीत जनता की हुई है। रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, जब आप तुलना करके देखेंगे चारों स्टेट में, हमने भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख ज्यादा मत पाए हैं, वोट पाए हैं। इसका मतलब कि देश की जनता का विश्वास पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस पे बड़ा है। वो अलग बात है हमने तेलंगाना में सरकार बनाई, 3 राज्यों में सरकार बना देने से हम चूक गए, वहां की जनता ने हमको विपक्ष के लिए जनादेश दिया है, तो हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। लेकिन जीत और हार इस बात को तय नहीं कर देती है कि इस देश से मुद्दे खत्म हो गए। इस देश से महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे, मणिपुर पहलवान का मुद्दा, ये सब खत्म हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 लाख ज्यादा हमने मत पाए हैं तो हमको जनता ने संदेश भी दिया है और संकेत भी दिया है। संदेश ये दिया है कि तुम हारे नहीं हो, विश्वास तुम्हारे पास जनता का ज्यादा है। लोकतंत्र में चुनाव जनता का विश्वास जीतने के लिए लड़ा जाता है। हमने 10 लाख ज्यादा मतदाताओं का विश्वास जीता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में हम पूरी तरीके से उतर चुके हैं। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2003 में हम सेमीफाइनल हारे थे, उसके बाद हम फाइनल जीते, हमने अपना कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनाया। 2018 में हम सेमीफाइनल जीते और फाइनल हार गए। 2023 में हम सेमीफाइनल हारे हैं और फाइनल जीते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, 100% दोहराएगा। अच्छा।